बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद बिलाल है और मेरा ताल्लुक सेटेलाइट टाउन डिग्री कॉलेज बराए खवातीन बहावलपुर से है। आज का हमारा सेकंड लेक्चर बेसिक डिजाइन का एडीक्यू फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन टू मीडियम करेंगे, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा मीडियम किस तरह से काम करता है और उसका किस तरह से इस्तेमाल और क्या उसके फवाइद, क्या उसके यूजेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्सिकोलॉजी। उसके बाद पहले हमारे पास यहाँ पर चार टाइप के इस सेमेस्टर में इस्तेमाल होने वाले मीडियम्स हैं। सबसे पहले है पोस्टी कलर, उसके बाद वॉटर कलर, ऑयल पेस्टल और चॉक पेस्टल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पोस्टर कलर किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और उनका क्या फवाइद है और क्या उसके इसमें इस्तेमाल आ। सबसे पहले ये है पोस्टर कलर, जो कि फ्लैट पेंटिंग के लिए होते हैं, क्योंकि ये ऐसा मीडियम है जिनमें हम अगर दो कलर को एक साथ पेपर पर यूज करेंगे तो वो मर्ज हो जाएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे और वो हमारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम फ्लैट के लिए देंगे। जब हमारा कोई पोस्टर, हमारा कोई फ्लावर फ्लैट के लिए होता है, जैसा कि हमारी फ्लैट बेड शीट होती है, इवन अब हमारी फ्लैट बेड शर्ट्स भी चल रही हैं, तो ये फ्लैट बेड के लिए होती है। इसके लिए हम पोस्टर कलर में बहुत कम मिकदार में पानी डालते हैं। इतना कम मिकदार में पानी होता है कि पानी को हम कलर को जब उठाएं ब्रश से, तो वो हमारे ब्रश में बिल्कुल मजबूती से हमारे ब्रश को पकड़ेगा। इसके साथ ये फ्लैट फिलिंग के लिए होता है। इसको हम जब लगाते हैं अपने पेपर के ऊपर, तो वो इस तरह से हो कि इसमें कोई क्रैक ना फील हो, इसमें कोई जगह खाली ना महसूस हो हमें, जब हम इसको हम लाइट के थ्रू देखें तो भी हमें इसमें ट्रांसपेरेंसी नजर ना आए, ये बिल्कुल पेपर में मर्ज हो जाए। ठीक है, पोस्टर कलर का ये होता है कि हम फ्लैट बेड के लिए यूज करते हैं। उसके बाद वॉटर कलर एक ऐसा मीडियम है जिसके नाम से ही जाहिर है कि वो पानी से बना होगा, वो पानी इस्तेमाल होगा, जिसमें इसकी इंतहाई ट्रांसपेरेंसी हमें करनी। हमें अगर हम एक कलर ऐड कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर येलो और रेड कलर और ऑरेंज कलर को इस्तेमाल किया गया है, इसमें हम जब येलो कलर को ऐड करेंगे तो उसकी क्वांटिटी 20% और पानी 80% होगी। हम पानी को इसको हम पहले से बनाकर नहीं बैठेंगे, पानी का कंटेनर लेकर बैठेंगे और डायरेक्ट पानी के कंटेनर से हम ब्रश को बिल्कुल गीला कर लेंगे और हल्का सा उसमें हम हमारा कलर ऐड करके अप्लाई करेंगे। हमारी शीट पहले गीली अगर होगी तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके लिए मैं आपको ट्यूटोरियल वीडियो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये हम यूज करते हैं, किस तरह से पानी में हम इसको सिर्फ ऐड करते हैं और ये एकदम फ्लैश हो जाता है, वाटर कलर फ्लैश होता है। ये इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मुश्किल मीडियम है। इसको कंट्रोल करना है कि पानी एक ऐसा मीडियम है जो बह जाता है, एक ऐसा मटीरियल है हमारे पास जो हमें कंट्रोल करना सीखना है। पानी को कलर के साथ और ब्रश के साथ किस तरह से हमने एक सटल जगह पे स्प्रे कराना है, एक सटल जगह पे हमने इसको एक इमेज क्रिएशन करनी है, ये इंतहाई एक मुश्किल मीडियम है जिसको हमने इंशाल्लाह आगे जाकर बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। उसके बाद हमारे पास है ऑयल पेस्टल। ये एक फन लविंग, एक चाइल्डिश सा मीडियम है जो हमारे पास अक्सर हमारे पास इंतहाई एक चाइल्डिश सा मीडियम है, फन मीडियम है जिसे हम हमारे बचपन में यूज करते हैं। ये ऑयल बेस्ड मीडियम होता है, इसमें बेसिकली हम ऑयल ऐड नहीं करते हैं, पर ये हमें फील ऑयल जैसे ऑयल पेंट होता है वैसे देते हैं। तो हम एक कलर के ऊपर दूसरे कलर को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हमें शेड का भी अफेक्ट देता है और इसको हम लेयर्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ऑयल पेंट यूज करने की टेक्निक कुछ नहीं बताई है, जिसमें स्ट्रोक है, हाईलाइट है, शेडो है, स्ट्रोक हैवीली प्रेशर में है, मतलब हैवीली भी हम स्ट्रोक दे सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा, एक तरफ प्रेस करते करें उसके बाद दूसरा कलर देते हैं तो वो आपस में एक दूसरे साथ मर्ज करते हैं, ये हैवीली स्ट्रोक होता है। अब इसमें लाइट का भी दे सकते हैं, इसमें हम ब्लेंडेड लाइट भी दे सकते हैं, हाईली ब्लेंडेड भी हम इसमें प्रेशर दे सकते हैं विथ एंड क्लिप, और इसमें हम डिजाइन विथ क्लिप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक
ये बच्चों वाला मीडियम है, मतलब लाइक इसको हम हमारे इसको ऑल्दो इसको बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यूज करते हैं, पर ये हमारे ये बच्चों के लिए यूज होने वाला लगता है वो मीडियम है जो ज्यादा बच्चे यूज करते हैं। उसके बाद हमारा वन ऑफ माई फेवरेट मीडियम जिसको इंजॉय कर सकते हैं हम, जिसे हम बहुत ईजी होकर यूज कर सकते हैं और थोड़ा इसको हैंडल करना भी मुश्किल है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम फॉर मर्चिंग। तो हम मर्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एक कलर लगाया, दूसरा कलर लगाया उसके नीचे और उसको कॉटन बर्ड टिश्यू या अपने फिंगर से हम उसको मर्ज कर सकते हैं। एंड हाई ब्लेंडेड इमेज हम एक और बहुत ही क्रिएटिवली, ठीक है, ये हमारे फायदे हैं चॉक पेंसिल के ये हम, और इसी तरह से ऑयल पेंसिल हमारे पास एक और डिफरेंट फ्रेम ही है। इन चारों को मैं आपको यूज करके बताऊंगी कि ये किस तरह से हमारे काम में इस्तेमाल हो। थैंक यू सो मच, प्रिया मानुल्ला।